आपको याद रखना है, प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम एनालिसिस, एल्गोरिदम डेवलपमेंट, फ्लो चार्ट, कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, कंपाइलेशन, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। ठीक है, याद करने का ट्रिक ये मुझे अब इस लेवल पर नहीं बताना होगा, याद करने का है ना, वो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करो, लिखो, याद हो जाएगा। चलिए, तो टेस्टिंग और डिबगिंग इन चीजों को समझ रहे हैं, किस पॉइंट में आपको इसको समझना है ये आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया था, लगभग सारा डील कर दिया था। यहाँ पर है भी प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है, ये सारा आपको लिखा हुआ है, प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है, प्रॉब्लम एनालाइज क्या है। ठीक है, इसमें आपको कौन सा पार्ट समझना है, क्या लास्ट पॉइंट, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। टेस्टिंग एंड डिबगिंग करने का मतलब होगा कि सबसे पहले हम लोग यहां से चलते हैं, कोडिंग जब करेंगे तो कोडिंग के लिए आपके पास क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि भाई उस कोडिंग को, उस है ना, वो जो आपने बनाया है एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट, उसके लिए कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको चाहिए। तो जो आपको नॉलेज होगा उसी लैंग्वेज को क्या करेंगे, यूज करेंगे। और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना क्या होता है, सिंटैक्स होता है, उस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे एंड डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप कोडिंग करने के बाद उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और आउटपुट देखेंगे कि क्या मैं कोड कर रहा हूं उसका सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं। अब टेस्टिंग में क्या होगा कि टेस्टिंग में उसी चीज को टेस्ट करेंगे कि जो देख रहे हैं, जिसके लिए बना रहे हैं सॉफ्टवेयर, वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। और टेस्टिंग में अगर फेल हो रहा है कहीं, टेस्टिंग वो काम नहीं कर रहा है, तो यानी कि आपके पास क्या है, कहीं कहीं एरर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बग। उस बग को फाइंड आउट करेंगे और क्या करेंगे, उस बग को फाइंड आउट करने ही क्या कहलाएगा आपको, कॉन्सेप्ट, डिबगिंग। ठीक है, अगर टेस्टिंग डिबगिंग दोनों सक्सेसफुली हो गया तो फिर से हम लोग कहाँ जाएंगे, कंपाइलेशन, फिर से उसको कंपाइल करेंगे ना, जब तक कि उसका एक्चुअल या सही रिजल्ट ना आए, तो ये हम लोग करते हैं। क्लियर है? हाँ, लॉगरिथम, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम डेवलपमेंट। देखो, एल्गोरिदम एक वर्ड है, ऐसे भी समझ लो, जैसे अगर आपने एल्गोरिदम, बहुत लोग पहले से भी जानते होंगे और बहुत लोग पिछले क्लास में ही सुना होगा कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो एल्गोरिदम आपको एक प्रोग्राम के लहजे से नहीं याद करना, वैसे याद कीजिएगा तो फिर रट्टा मारना पड़ेगा। एल्गोरिदम इज द प्रोसेस टू राइटिंग एनी सॉल्यूशन ऑफ एनी पर्टिकुलर टास्क फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ये तो हो गया डिफिनीशन। एल्गोरिदम कहने का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स होता है ना। ये आपके पास बड़ा सा प्रॉब्लम है, चाय बनाने वाला ही एग्जांपल दे दिए, एक बड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन सा स्टेप आप फॉलो करेंगे, वो स्टेप लिखना ही क्या होता है, एल्गोरिदम कहलाता है। क्या कहलाता है? और हर चीज आप नॉर्मल वे में भी सुनिएगा, इसके लिए तुम्हारे पास क्या एल्गोरिदम है, यानी कि ये प्रॉब्लम है, इसका एक सर्टेन एल्गोरिदम लिख के दो, यानी कि सॉल्यूशन लिख के दो कि हमको क्या क्या करना पड़ेगा, ये एल्गोरिदम है। क्लियर है? तो आप डायरेक्टली कोडिंग नहीं करेंगे, डायरेक्टली कोडिंग करेंगे तो आपको कोड करने में दिक्कत होगा ना, और पहले से आपने एल्गोरिदम बना लिया है। ठीक है, कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में हमको कौन कौन काम करना है, तो आप जब एक्चुअल काम करेंगे कोडिंग करने, तब आपको काम करना क्या होगा, आसान होगा। और ट्रस्ट मी, जब आप प्रोग्राम करेंगे ना, तो डायरेक्टली कोडिंग नहीं होगा, आप पहले एल्गोरिदम डिजाइन करेंगे। हाँ, कब करेंगे, जब आपका प्रोग्राम क्या होगा, लार्ज होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, तब एल्गोरिदम करेंगे। सिंपल प्रोग्राम होगा तो उसके लिए क्या प्लानिंग करते हैं पूरा, क्या है ना, अगर कहेंगे कि हम डस्टर लेके आ जाओ, इसके लिए पूरा प्लानिंग नहीं करेंगे, यहां से वहां जाना होगा, वहां से उधर जाना होगा, फिर लाना होगा। तो प्लानिंग तब करेंगे, एल्गोरिदम तब डिजाइन करेंगे जब आपके पास लार्ज प्रोग्राम है ना। जैसे दो नंबर को जोड़ना, इसके लिए कोई एल्गोरिदम की जरूरत नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा, पहला वेरिएबल आप रोज देख रहे हैं। लेकिन अब कह देंगे किसी नंबर को रिवर्स करना है, तब आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा और ये लॉजिक बताया जाएगा प्रोग्राम में। फाइव तो कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। कंपाइलेशन मतलब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, दो तरह की चीजें काम करती है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, आप जो कोडिंग लिखोगे, मैं एक लिख के दिखाई दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा
इतना पूछ रहे हैं ना, मैं आपको लिख के दिखाई दे रहा हूँ। अभी तो आपको प्रोग्राम का एबीसीडी भी नहीं बताया है, लेकिन मैं एक क्यू बेसिक खोल दे रहा हूँ, ठीक है। है ना, दिखाई लेकिन नहीं दे रहा है ना, तो थोड़ा सा बड़ा कर। नहीं, लाइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, मूवी हॉल नहीं बनाना है इसको, देखो ही। चलो देखो, यहाँ ए इक्व टू 10, ये आपका कोडिंग है दो नंबर को जोड़ने का, ठीक है। ए इक्व टू 10, बी इक्व टू क्या हो गया 20, एंड सी इक्व टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे प्रिंट सी, है ना, प्रिंट सी, ये हो गया कोडिंग, है ना। और इसके साथ हम लोग डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं, क्या करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन तब करेंगे, चीजों को सजाने की जरूरत तब पड़ती है जब आपके पास बल्क में चीजें हो, ठीक है ना। ये तो सिंपल है, एक प्रोग्राम है दो नंबर को जोड़ने का, कितने नंबर का, दो नंबर को जोड़ने का। अब इसको क्या ये प्रोग्राम लिख दिए तो काम हो गया मेरा? प्रोग्राम लिखने के बाद इसको क्या करोगे, रन कराओगे, वही कंपाइलेशन होगा, वही क्या होगा, कंपाइलेशन होगा। तो मैं यहां से रन करा रहा हूं, ठीक है। आउटपुट मेरे को 30 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 30 आउटपुट आना चाहिए, तो ये सही है। नहीं आ रहा है तो ये क्या है, गड़बड़ है आपका, ठीक है। आ गया 30, तो ये सही कंपाइलेशन हो गया, यही क्या हो जाए, कंपाइलेशन। और अगर आपका कोई एरर हो, सपोज मैंने यहां पर कुछ दूसरा चीज यूज कर दिया, या प्रिंट का स्पेलिंग ही गलत दिख गया, ठीक है, तब आप देखिए यहाँ पर एरर बता रहा है, यहाँ पर देखिए रेड कलर का हो गया, ऐसे भी समझ में आ जाएगा आपका एरर है थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है ऐसा। देखिए दे रहा है ऑन लाइन 4, क्लिक हेयर फॉर कंट्रोल शिफ्ट, लाइन 4 में आपका जो लिखा हुआ है प्रिंट सी, प्रिंट नाम का कोई वर्ड नहीं होता है कहां पर, ठीक है, एरर देगा, यानी कि यही आपका क्या हो गया, डिबगिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया। यानी कि यहाँ पर मैंने प्रोग्राम लिखा दो नंबर को ऐड करने के लिए, अब इसको टेस्ट किया कि ये आउटपुट दे रहा है कि नहीं, टेस्टिंग यहाँ पर क्या हो गया, फेल हो गया, एरर हो गया। तो फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिबग करेंगे, यानी बग को खत्म करेंगे। अब आप प्रोग्रामर होगा तो इतना तो नॉलेज होगा कि प्रिंट की जगह पर प्रिंट लिखा गया है, और ये नॉलेज जब आप प्रोग्राम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपीरियंस होगा, अब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर गलत है, फिर से रन कराएंगे, ठीक है। साइनस पर स्वर सब आधे खत्म हो जाएगा, तो आधे खत्म कर देते, पैक कर देते, उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला ना आगे जी, कि साइन स्क्वायर कॉसस पर कुछ भी लिख देंगे काम चल जाएगा। अभी वेरिएबल पढ़ोगे, उसके बाद मैथमेटिकल कौन सा फंक्शन यूज होता है ना, ऐसे थोड़े हो जाएगा तुरंत से पढ़े। अभी हम दिखा रहे थे कि एरर कैसे, कोडिंग कैसे करेंगे, और एरर कैसे आ सकता है, ठीक है। तो ये जब आपको क्यू बेसिक हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे ना, तो ये सारी चीजों बताएंगे, चीजें बताएंगे कैसे आप इंस्टॉल करेंगे, कैसे लाइन लिखेंगे। तो अभी तो मैंने आपको दिखा दिया कि आप थोड़ा सा देख लें प्रैक्टिकली भी, ऐसे हम लोग एरर इसमें आ सकता है, और ऐसे कोडिंग करके रन करा सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इस पे किसी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम है? अब नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। एक बार डिबगिंग कर दिया, उसमें 5 लाइन में गलत है, एक बार डिबगिंग कर दिया तुमको, क्या कि नहीं अब ठीक है, फिर रन कराया, फिर एरर दे दिया। तो आपके ऊपर डिपेंड करना कि आप कितना जल्दी उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक बार भी कर लें। कभी जब ऐसा हो जाता है, तुम अभी अभी प्रोग्राम कर रहे हो तुरंत हो गया, कभी जब ऐसा होता है कि 10 दिन तक तुमको डिबगिंग नहीं होगा। डिबगिंग करना सबसे प्रोग्राम में सबसे टफ काम होता है, टेस्टर का जो जॉब होता है ना, सबसे टफ होता है। 5,000-50,000 लाइन का प्रोग्राम है, उसके 50 जगह गलती है, डिबग करने में उसको टाइम लग जाएगा। कभी जब क्या होता है ना, मेरे से भी होता, सबसे होता है, ऐसा नहीं इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी कभी जब होता है, उस पर नहीं होता कि हाँ तब से ये छूटा था, उनको ध्यान ही नहीं, होता है ना ऐसे चीज। तो ये होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम हैं तो
मेरे सर कभी मेरे साथ भी होता है, 2-3 घंटा बाद फिर किसी दूसरे से पूछते हैं, उसको दिख जाता है, तो आपको मिल जाएगा। वैसा फिक्स नहीं है कि एक बार में ही सब आपका डिबगिंग कर ले, डिपेंड्स ऑन कि आपने एक बार में सारा फाइंड आउट कर लिया, उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। गलती एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्लियर है। नहीं नहीं यार, अपडेट करने का मतलब होता है कि उसमें एक्स्ट्रा चीजें ऐड करना। जो ऐप अपडेट नहीं होता है क्या पहले से काम नहीं करता है, सक्सेसफुली काम करता है ना, वो डिबग थोड़े हुआ। एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना डिबग थोड़े हुआ, गलती थोड़े हुआ, वो तो फीचर ऐड कर रहा है, ठीक है। चलिए तो अब इसमें हो गया सारे चीजें आपको। अब उसके बाद है फ्लो चार्ट है, तो देखिए फ्लो चार्ट ये हो, ये क्या है आपका फ्लो चार्ट है ना, ये सब आपको बता देंगे। ये कैसे बताएंगे आगे, फ्लो चार्ट चैप्टर में बताएंगे। हर एक सिंबल का कुछ ना कुछ वर्क होता है, क्या होता है वर्क होता है, तो ये आगे हम आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन समझ गए हैं, कंपाइलेशन, इस लाइन को एक एक लाइन को थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा, जब आप राइट डाउन नोट्स करेंगे तो आप पढ़ भी लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, आप और कुछ पूछना इसमें, आप पूछो, तुमको पूछना है। चलिए अब इसके बाद हमने बताया था प्रोग्राम टाइप्स, ये पहले डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। सिक्वेंशियल, डिसीजन मेकिंग एंड ये डिस्कस है, यहाँ पर मुझे समझाने में आसान होगा। सिक्वेंशियल प्रोग्राम कहने का मतलब उसकी सारी लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। यानी कि अभी जो मैंने क्यू बेसिक में लिखा था ना, वो सिक्वेंशियल प्रोग्राम था, हर एक लाइन एग्जीक्यूट हुआ होगा। लेकिन आप कहेंगे सर आउटपुट खाल ये दिया, तो आउटपुट स्क्रीन पर ये दिया, स्क्रीन पर वही चीज देगा जो किस में रहेगा, प्रिंट में, बाकी इंटरनल एग्जीक्यूट हुआ, काम किया तभी नहीं आउटपुट आया। ऐसे थोड़ी है कि डायरेक्ट ये सी काम कर गया, सबसे पहले टॉप वाला लाइन करेगा, दैट इज वेरिएबल ए, ए में क्या स्टोर किया 10, उसके बाद क्या लाइन मिला बी, बी में क्या स्टोर किया 20, उसके बाद ए प्लस बी 20 प्लस 10 30, 30 को किस में स्टोर किया फिर प्रिंट सी, यानी 30 को प्रिंट किया, ऐसे आया, तब आपको आगे जाके क्या दिया आउटपुट दिया। तो सिक्वेंशियल कहने का मतलब कि उसकी हर एक लाइन आपको क्या होगा एग्जीक्यूट होगा, दैट इज ए सिक्वेंशियल। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 है ना, हर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसमें कितने स्टेटमेंट थे, 4 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट है ना, ठीक है। तो ये सिक्वेंशियल आपने समझ गया था, ठीक है। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग, क्या आता है, यहाँ थोड़ा सा मैं फ्लो चार्ट बनाया हूं, उस फ्लो चार्ट को थोड़ा आप समझिएगा डिसीजन मेकिंग में क्या होता है। जैसे डिसीजन मेकिंग में ना कंडीशन होता है, क्या होता है कंडीशन, समझिएगा इस चीज, और कंडीशन कहने का मतलब होता है या तो ट्रू या फिर फॉल्स, है ना। जैसे 10 greater than 5, इसकी आउटपुट क्या आएगी ट्रू या फॉल्स। अगर मैं कहूं 10 plus 5, इसकी आउटपुट क्या आएगी 15 इज ए वैल्यू, लेकिन 10 greater than 5 या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इस केस में ऑब्वियसली क्या होगा ट्रू, क्योंकि आप जान रहे हैं तो बोल दीजिएगा ट्रू। 10 less than 5 क्या आएगा फॉल्स। यानी कि डिसीजन और कंडीशन का फॉर्मेशन होता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, कितने चीजों से आपका कंडीशन बनता है, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। तो 3 तो हो गया ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, 3 हो गया, और 3 और क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों एक साथ, लेस देन इक्वल टू दोनों एक साथ, और एक हो गया नॉट इक्वल टू, क्या हो जाएगा 10 not equal to 5, दैट इज ट्रू और नॉट स्टेटमेंट। बोलिए 10 not equal to 5, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, सही है या गलत है, सही है। ये प्रोग्रामिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, ये हम प्रोग्राम का क्यू बेसिक का बात नहीं पूछ रहे हैं, ये हम 5th class के बात पूछ रहे हैं। अगर मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ 10 not equal to 5, मेरा स्टेटमेंट सही है कि गलत है, सही है ना, दैट इज ट्रू है ना। 10 greater than equals to 5, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। अब ये कह सकते हैं कि सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू दोनों आ जाएगा तो क्या हम मानेंगे, तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए,
कोई एक होना चाहिए, 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, इक्वल्स टू नहीं है लेकिन ग्रेटर है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको डील कर देता हूं यहां पर, थोड़ा बता देता हूं कि कौन कौन सा सिंबल आपको यूज होते हैं ऐसे, इसको पर पूरा आगे फोकस है लेकिन चीजें जब अभी आ रही थोड़ा सा इसको मैं डिस्कस भी कर देता हूं, कोई हार्ड एंड टफ नहीं है। एक सिंबल होता है ग्रेटर देन, एक सिंबल होता है लेस देन, ये जानते हैं। एक सिंबल होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैथ वाला नहीं कीजिएगा कि ग्रेटर देन नीचे ऐसे कर दिए इक्वल्स टू, ये सिंबल कहीं भी कीबोर्ड में आपको नहीं मिलेगा, है ना। ये हो गया आपको लेस देन इक्वल्स टू, ये हो गया आपको इक्वल्स टू, और ये हो गया आपको नॉट इक्वल्स टू। अब मैथ जैसा ऐसे क्रॉस करते हैं सर, वो कई कीबोर्ड में आपने देखा है, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नॉट इक्वल्स टू का अलग अलग सिंबल होता है, और ये आप नहीं बना सकते हैं। क्यू बेसिक कह दिया कि मैंने नॉट इक्वल टू के लिए ये यूज करते हैं तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि क्यू बेसिक आपने और मैंने नहीं बनाया, तो हम पढ़ रहे हैं क्यू बेसिक, तो जानेंगे कि क्यू बेसिक नॉट इक्वल टू के लिए कौन सा सिंबल दिया हुआ, यही चीज ना पढ़ेंगे। तो अब देखिए इतना से आपको कंडीशन बनता है। अब देखिए मैं आपके पास वैल्यू एक रख रहा हूं, आपको बताना है सबको 10 ग्रेटर देन 5, 10 लेस देन 5, 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, 10 लेस देन इक्वल्स टू 5, 10 इक्वल्स टू 5, 10 नॉट इक्वल्स टू 5। सब हो गया। अब आपको एक एक कर बताना है कौन ट्रू होगा और कौन फॉल्स होगा, ठीक है। तो आप बताइए, ये काफी सिंपल है। फर्स्ट क्या है? ट्रू है। सेकंड क्या है? फॉल्स है, ठीक है। थर्ड क्या है? ट्रू है। फोर्थ क्या है? फॉल्स। फिफ्थ क्या है? फॉल्स है। एंड सिक्स क्या है? तो इसी से आपको कंडीशन बनता है। क्या बनता है? कंडीशन बनता है, ठीक है। अब यहां पर आइएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये इसमें आप आएंगे कंडीशन में, एक कंडीशन होगा और यही कंडीशन है। कंडीशन जब भी बनेगा तो इन छह सिंबल से ही बनेगा जब प्रोग्रामिंग करेंगे, तो कंडीशन या तो ट्रू होगा या फिर क्या होगा? फॉल्स होगा, है ना। आप जानते हैं जैसे मैं अगर कहूं ए प्लस बी, ठीक है, या 10 प्लस 5, ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन समझते हैं ना, मैथ में आपने एक्सप्रेशन पढ़ा होगा ना, एक्सप्रेशन इक्वेशन, तो ये क्या एक्सप्रेशन है ना। तो ये है आपका एक्सप्रेशन और ये भी एक्सप्रेशन है, दोनों में अंतर क्या है कि ये अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, और ये क्या है? लॉजिकल या कंडीशनल एक्सप्रेशन है। क्या होता है? यानी कि कंडीशनल एक्सप्रेशन की आउटपुट क्या होती है? ट्रू या फॉल्स। और अर्थमेटिकल ऑपरेशन की आउटपुट क्या होती है? नंबर्स, वैल्यू, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये अभी मैथ की चीजें बता रही हैं, है ना। अब यहां पर आइए, यहां पर कंडीशन होगा, यहां पर कोई कंडीशन होगा, है ना। कंडीशन होगा तो या तो ट्रू होगा या फिर क्या हो जाएगा? तो दो रास्ते हो गए, अगर ट्रू होगा तो इधर जाएगा इसमें, फिर जाएगा इसमें, फिर आ जाएगा एक्सिट, प्रोग्राम खत्म। यानी ये रास्ता क्या हो जाएगा? छोड़ देगा। और अगर कंडीशन चेक किया, कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो सीधे कहां जाएगा? इधर, और ये बॉडी करेगा और यहां के बाद यहां, यानी कि एट द टाइम या तो ये काम करेगा नहीं तो फिर ये काम करेगा, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। यानी कंडीशनल स्टेटमेंट में कोई एक ही काम करता है, क्लियर है, समझ गए। चलिए तो अब इसको कैसे बनाते हैं थोड़ा सा हम दिखा दे रहे हैं अभी, थोड़ा सा समझने के लिए कि आप जानते हैं इवन और ऑड, सबको जानते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर, है ना। जो नंबर इवन होगा वो ऑड नहीं होगा, और जो नंबर ऑड नहीं होगा और वो इवन नहीं होगा, दोनों तो नहीं हो सकता है इवन और ऑड के केस में। तो अगर आपको निकालना होगा कि इवन और ऑड कैसे निकालते हैं, तो मैं अगर पूछूं कि इवन नंबर किसको कहते हैं? टू से डिविजिबल है, लेकिन प्रोग्राम में ऐसे कुछ नहीं करना पड़ेगा कि आप लिख देंगे टू से डिविजिबल है उसको इवन करते हो, ऐसा नहीं करेगा प्रोग्राम। प्रोग्राम में हर एक काम करने के लिए आपको सिंबल्स दिया गया है। जैसे यहां पर क्या करता है कि टू से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर जीरो आए वो इवन है, समझ गए ना, रिमाइंडर समझते हैं ना क्या, सेस, ठीक है। और टू से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर वन आए
वो क्या है, ऑड है। सर इतना करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग में, तो आपको दिमाग में रखना है कि आप जाते हैं कैलकुलेटर यूज करते हैं, दो लाइन का दिखता है आपको, इंटर एनी नंबर, आप नाम भेजते हैं, इंटर फादर नेम, आप फादर नेम लिखते हैं, उस दो लाइन के लिए कोडिंग लिखाता है 10 लाइन, है ना। वहां पर आपको स्क्रीन पर दिखता है काफी आसान चीज है, लेकिन उसके पीछे का मेहनत होता है ना, कैसे बेचारा वो कोडिंग किया है। तो यहाँ पर हर एक करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। देखिए मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पर अभी आपको बहुत कम इसमें समझ में आएगा क्योंकि मैंने अभी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया है। जैसे देखिए इसको मैं बड़ा करता हूं, थोड़ा सा खाली आउटपुट आपको देखना है, कोडिंग नहीं समझ में आएगा, मैं फिर से कर रहा हूं, सिर्फ आपको क्या देखना है, आउटपुट देखना है कि कैसे ओमिट करता है। जैसे मैं यहां पर लिया हुआ हूं a इक्वल टू 10, ठीक है, इफ a मोड 2 इक्वल टू 0 10 पाइथन वाला, ठीक है, इफ a मोड 2 इक्वल टू 0 तो प्रिंट, एक मिनट रुकना, प्रिंट क्या करना है, इवेन हो जाएगा ना, इवेन, ठीक है, एल्स प्रिंट एक एरर दे रहा है, हम लोग देखेंगे इस कंपाइलर में क्या एरर दे रहा है। सर डबल इक्वल टू लगेगा ना सर, मॉड के बाद, मॉड जेड के बाद। चलिए देखिए ये आ गया, अब देखिए इसमें क्या है, ये अभी आपको सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर से कर रहा हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपको आउटपुट देखना है, ये कोई लाइन आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये लाइन अभी नहीं होगा, हर एक बताएंगे कि ये मोड क्या है, ये क्या, अभी तो क्यू बेसिक शुरू ही नहीं किया है, तो आपको आउटपुट देखना है। इसमें देखिए डिसीजन है, या तो इवेन काम करेगा नहीं तो ऑड काम करेगा, या तो ये काम करेगा लाइन या फिर ये काम करेगा, यानी कि अगर ये काम कर लेगा तो सीधे कहां को जंप करेगा प्रोग्राम, यहां पर। पहले समझिए, अगर पहले ये लाइन काम किया a इक्वल टू 10, फिर ये लाइन काम किया, अब ये लाइन काम करेगा तो यहां पर कंडीशन है, इक्वल टू यूज हुआ है ना, तो यहां पर कंडीशन है, ये ट्रू होगा या फिर क्या होगा, तो जब ट्रू होगा तो ये प्रिंट करेगा और जब फॉल्स होगा तो ये प्रिंट करेगा, क्लियर है। अब आए गए नीचे 10, मोड क्या करता है मैं ऐसे ही बता दूं, मोड आपको रिमाइंडर निकालता है, 10 मोड 2 व्हाट इज द वैल्यू, रिमाइंडर निकालता है, नॉट कोशेंट, क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो बराबर जीरो, यस कंडीशन इज ट्रू, तो ये काम करेगा प्रिंट इवेन, देखिएगा आउटपुट आएगा प्रिंट इवेन, जब ये काम किया तो ये वाला ओमिट कर देगा, छोड़ देगा, सीधे आएगा एंड इफ, यानी प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है। नीचे आएंगे और इसको रन कराएंगे, क्या आया आउटपुट, इवन आया, तो दो दो कितना प्रिंट है, तो चार प्रिंट होगा तो चार बार आउटपुट देगा ना, लेकिन कोई एक ही प्रिंट काम किया, दूसरा प्रिंट काम नहीं किया, क्योंकि वो कंडीशनल इसी को कहते हैं, तो ये हम लोग प्रोग्राम जब प्रैक्टिस करेंगे तो बनाएंगे। अब यहां पर दे दीजिए 5 या दे दीजिए आप कुछ भी दे दीजिए 15, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, 15 मोड 2 मोड रिमाइंडर निकालता है, ये बताएंगे आगे, मोड क्या निकालता है, बस कह दिए, बस हो गया, रिमाइंडर निकालता है, ये लॉजिक लगाना ही नहीं, क्योंकि क्यू बेसिक कहता है कि आपको आगे हमारे यहाँ मोड रिमाइंडर निकालना हो तो मोड यूज करते हैं, बस आपको यूज करते हैं। लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि सर मोड क्यों बनाया, अरे मोड हम पूरे बनाया, मोड कौन बना के दिया है, क्यू बेसिक है ना, सी कहता है कि हम मोड निकालने के लिए, मोडनेस निकालने के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए परसेंटेज यूज करते हैं, तो परसेंटेज हम लोग यूज करेंगे, तो जहां जिसकी यूज जो कहता है उसको यूज करेंगे। तो 15 मोड 2 व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, 1, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, क्या क्या रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटीज है, 0 या 1 है ना, तो 1 1 = 0
कंडीशन क्या हो जाएगा, तो ये लाइन काम नहीं करेगा, सीधे आ जाएगा ऑड में आ जाएगा, यानी ये लाइन छोड़ देगा। आप देखिए आउटपुट, तो इस तरह के प्रोग्राम ही आपका होता है कंडीशनल। क्या होता है कि सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एंड सम आर नॉट, कुछ एग्जीक्यूट करेगा और कुछ एग्जीक्यूट ऑड, यानी कि ये लाइन को ओमिट किया है। इस तरह के प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल। क्या लेन इसे ना कि इन इफ के बाद लास्ट में कहता है एंडिफ कहता है, एंडिफ के चलते ही करा रहा है। जब तक नहीं लिखे हैं तब तक उसको क्या पता है कि आगे यूजर लिखने वाला है। सिंपल दिमाग को नहीं है, मनुष्य को नहीं है उसको समझाने का, रुको रुको अभी आगे लिखने वाले हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम है इसमें। चलिए हो गया, चलिए तो ये कंडीशनल हो गया। एंड लास्ट आपको बोले थे कि लास्ट किस टाइप का होता है, लूपिंग, यानी कि कोई स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करेगा। आप पूछ रहा है, पूछो इंटरप्रेटर, हमने बता दिया था क्यू बेसिक किसको सपोर्ट करता है, इंटरप्रेटर को सपोर्ट करता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपको डिसीजन मेकिंग, और लास्ट क्या आता है, लूपिंग, ठीक है। ये सब आपको मत ये उतार लेना, ये जो बता रहे हैं ना, ये आपके आपके आगे है ना, 20वीं 25वीं क्लास में आएगा। ऐसे थोड़े होगा कि तुरंत बता दिए हो जाएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट जिस दिन पढ़ाई होगी वो 5-7 दिन तक चलेगा, उस पर प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्राम के, 10 प्रोग्राम 20 प्रोग्राम 30 हर तरह के प्रोग्राम देंगे कंडीशनल में, इवन ऑड पॉजिटिव निगेटिव है ना, प्राइम नॉट प्राइम, ये सब किसमें आएगा, कंडीशनल में। तो अभी तो सिर्फ आउटपुट दिखा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट है वो आपका क्या है, लूपिंग। लूपिंग में हमने क्या बताया था, कोई भी स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, नहीं होता है कैसे, करता है ना। लूपिंग का मतलब कि वो अभी क्या होता है कि पहला लाइन किया, फिर लौट के पहला लाइन करता है क्या, दोबारा रन कराएंगे तो करेगा, है ना। अभी पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा पांचवा में लास्ट खत्म, और फिर देखिए है ना, फिर आप रन कराएगा, फिर पहला से शुरू होगा, वो तो रन कराएगा तो पहला शुरू होगा। लेकिन अभी आपको कह रहे हैं कि एक ही प्रोग्राम एक ही स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करे वो क्या हो गया, लूपिंग हो गया। अब इसमें देखिए आप डिजाइन से समझिए, देखिए लूपिंग में भी आपको कंडीशन होगा, क्या होगा, कंडीशन होगा। अब यहाँ पर है ना, शुरुआत हुआ इनिशियलाइज, स्टार्ट, इनिशियलाइजेशन, यहाँ पर हो गया कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू होगा या फिर क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो आपको इधर जाएगा, देखिए दिया हुआ है कंडीशन ट्रू, फिर ये लाइन करेगा, फिर यहां लौटेगा और फिर यहां लौटेगा, फिर क्या मिला, कंडीशन, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू, कंडीशन या तो ट्रू होगा या फिर क्या होगा, फॉल्स होगा। फिर यहां पर हम लोग देखे, फिर ट्रू होगा, फिर नीचे आएगा, जब तक कंडीशन ट्रू होते रहेगा तब तक ये घूमते रहेगा। लूपिंग घूमता है तो सर कितनी बार आप घुमाइएगा, उसको क्राइटेरिया होना चाहिए ना, दो बार कितना लोग इसमें सो रहा है, है ना, ये देखिए वो सो रहा है, ये सो रहा है, सोने से नहीं चलेगा, सोने से नहीं चलेगा। अगर हमने पहले ही किया था ना कि आप ये प्रोग्राम्स है, ये आपको लॉजिक वाला पढ़ाई है, मैथमेटिकल चीजें हैं, आपको शुरुआत में ही मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ जाके वीडियो देखना पड़ेगा घर पे जाके दो बार, पॉज करके कि सर क्या बोले थे, क्योंकि ये नहीं अभी चीजें क्लियर होगी तो फिर आगे वही कहे थे ना 10-15 पर चलने लगेगा, फिर वो चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी जितना कहे उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कहूँ, देखिए क्या होता है लूपिंग में, चीजों को म्यूट करना भाई, म्यूट फिर ये पढ़ाई होगा, लेकिन जितना समझ सके चीजों को समझिए। लूपिंग में क्या होता है, लूपिंग में अभी मैंने कहा कि कोई भी लाइन एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन कितनी बार, ये तो डिफिनिट होना चाहिए ना, इनफिनाइट टाइम तो नहीं होगा, तो इसके लिए भी हम लोग कंडीशन देते हैं। क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं। कैसे देते हैं, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे कंडीशन में तीन चीजें होती हैं, कहां से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है और कितने से आगे बढ़ना है, तीन चीज कंडीशन में जरूरी है। अब देखिए लॉजिक, 1 से स्टार्ट किया, 10 तक गया, 1-1 से बढ़ा, कितना स्टेप होगा,
कितना स्टेप? 10। इसमें भी कोई दिमाग लगा रहा है? यही ये तो लॉजिक क्यों बेसिक का नहीं है। एक से स्टार्ट हुआ, एक एक बढ़ा, तो एक के बाद दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, 10 स्टेप, 10 पर रुक जाना है ना, 10 स्टेप, यानी कि ये 10 बार लूपिंग चलेगा, है ना। इसके अंदर कोई चीज लिखेंगे तो ये 10 बार चलेगा, तो ये 10 बार ये लूपिंग होगा। अब कैसे करेंगे ये दिखाएंगे आपको। कोई चीज 1 से चला 10 तक चला, 1 से स्टार्ट किया 10 तक चला, स्टार्ट एंडिंग हो गया, 2 से बढ़ा, 2 से इंक्रीज किया, कितनी बार चलेगा? 5 टाइम। कितनी बार चला? 5 टाइम चला। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट करें इसको, 1 से चला है ना, और 2 से 10 तक चला है ना, उसके बाद 5 से इंक्रीज हुआ, कितनी बार? 10 तक चला, 10 इज आल्सो इंक्लूडेड, 1 एंड 10 आल्सो इंक्लूडेड, कितनी बार? 2 टाइम्स, 1 एंड 5 ऐड करेंगे। अब लॉजिक देखो, ये मैथ है टोटली, ये कहते हैं ना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लॉजिक मैथ डेवलपमेंट जैसा होता है। 1 के बाद क्या हो जाएगा टर्न? 6 यार, 1 में 5 ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 होगा ना, बोले 1 से चलेगा 10 तक जाएगा, 1 एंड 10 बोथ आर इंक्लूडेड, एंड स्टेप कितने से बढ़ रहा है? 5, यानी 5 ऐड करेंगे तो 1 और 6, और 6 के बाद क्या होगा? 11 नहीं चलेगा, यानी 1 6 कितने टाइम चला? ये लॉजिक दिमाग लगाने वाला चीज है ही नहीं, ठीक है। 1 से चला 11, 1 से चला 10 तक, 11 स्टेप इंक्रीज किया, कितनी बार चला? 1, पहले सुन लीजिए, 1 से स्टार्ट हुआ 10 तक चला और 11 उसमें ऐड किया, कितनी बार चलेगा? एक बार चलेगा 1 पर, क्योंकि 1 के बाद अगला टर्म क्या आ जाएगा? 12, ठीक है। तो ये होता है लूपिंग, क्या होता है? लूपिंग। अब देखिए कैसे होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा प्रोग्राम में दिखा दे रहा हूं। जैसे अगर मैं सपोज इसको हटाते हैं, अच्छा ठीक है बड़ा कर दे रहे हैं, मैंने यहां पर यूज किया है प्रिंट, प्रिंट सीमेज है ना, ऑब्वियसली ये आपको आउटपुट कितनी बार प्रिंट का स्टेटमेंट का यूज किया है? 1 टाइम्स, तो ये आपको एक बार आउटपुट देगा, जितना प्रिंट रहेगा उतना ही स्टेटमेंट आपको आउटपुट देगा, ठीक है। ये देखिए सीमेज एक बार दिया, अगर 5 बार आपको सीमेज कॉलेज प्रिंट कराना है तो आपको 5 बार क्या लिखना पड़ेगा? प्रिंट सीमेज, कंट्रोल सी, ठीक है। तो ये 5 स्टेटमेंट, अभी क्या है? सिक्वेंशियल है ना, हर एक लाइन काम कर रहा है अभी, नो डिसीजन, कई कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं ऐसी थोड़े करेंगे, ऐसे जब प्रोग्रामिंग होता है तो कोई पहले क्लास से प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाता है, 5 से मल्टीप्लाई कहीं कुछ लिख देंगे, है ना। अभी तो हर एक बताएंगे कि प्रिंट के बाद डबल कोट क्यों देते हैं, है ना, प्रिंट के बाद स्पेस क्यों है, ये सब बताना बताएंगे, ऐसे देता तो हो गया सिमेज 5 टाइम्स। अब मैं देखिए आपको डालता हूं इसको लूपिंग में, हाइड्रेशन में, खाली समझिएगा, आउटपुट देखिएगा, वही ना आ रहे हैं, एक समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये आपका 5 टाइम्स है, ठीक है, एक मिनट रुको, पहले चलिए देखिए, अब यहां पर ये हो गया 5 टाइम्स, ठीक है, 5 बार मैंने प्रिंट लिखा, 5 टाइम्स किया। तो अभी क्वेश्चन किया कि सर अगर 100 बार लिखना होगा तो,
100 टाइप करेंगे, तो उसी के लिए आपको लूपिंग बनाया गया। क्योंकि आप एक ऐसा मशीन डिजाइन कीजिए कि मशीन आपका घूमेगा 100 टाइम्स 1000 टाइम्स, ठीक है ना, और उसके अंदर उस स्टेटमेंट को डाल दीजिए जिसको आपको 100 टाइम्स चाहिए। तो ये देखिए मशीन बनाए हैं हम जो 5 टाइम में मशीन घूमेगा, और इसके अंदर मैंने प्रिंट डाल दिया है, इसको भी 5 टाइम घुमा देगा। और मैं अब इसको हटा दे रहा हूं, क्या कर दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं, ठीक है, ये प्रिंट हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको समझिएगा, पहले ये आपको 5 टाइम प्रिंट इमेज यानी इमेज प्रिंट करेगा, आ गया 5 टाइम। अब ये कह रहा है 100 टाइम्स प्रिंट करना है, यहां पर 5 की जगह पर क्या लिख दो 100। अब ये समझाएंगे, रुक जाओ भी पहले। देखिए 100 टाइम हो गया वो, अब बाकी कट गया, ऊपर छुप गया, ठीक है। तो ये हो गया आपको 100 टाइम, जितना लिखना है उतने टाइम ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब ये देखिए क्या होता है, मैं बता रहा हूं, जैसे इसमें आपको, एक मिनट पहले हमको समझाने दो, इसमें मैंने 1 से स्टार्ट किया है, कहां तक चला है और कितने से 1 को बढ़ा रहा है, है ना। तो पहले देखिए, पहले समझिएगा, थोड़ा समझिएगा, आई में क्या है 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी आई में क्या है 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, ट्रू है, तो प्रिंट इमेज। फिर 1 बढ़ के क्या हो गया, 1+1 क्या हो गया 2, फिर ये लौट जाता है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो फिर प्रिंट इमेज करो। फिर आई बढ़ के कितना हो जाएगा 3, फिर लौटेगा 3 इज लेस देन 5, ट्रू इमेज, फिर 3 करके 4, 4 इज लेस देन 5, ट्रू इमेज, चौथा बार फिर बढ़ के हो जाएगा 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, लेस नहीं लेकिन इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू, प्रिंट इमेज। 5 बढ़ के क्या हो जाएगा 6, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, सीधे इसके अंदर नहीं जाएगा, जंप मार देगा बैंड। तो ये आपको लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा, यही सोचना है कि हम कितनी बार चलें, क्या चलें, और ये लॉजिक तब डेवलप होगा जब आप प्रोग्राम्स पर जम के पूरे 1 साल क्यू बेसिक पर मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आज पढ़े, या कि काफी आगे का चीज है, सिर्फ मैं दिखाया हूं कि ये आपका कंडीशनल ये होता है, लुकिंग ये होता है, सिक्वेंशियल मैंने एक बार सीमेज लिखा है लेकिन 5 बार काम कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं लुकिंग का कॉन्सेप्ट है, ये स्टेटमेंट 1 से ज्यादा बार एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट मींस लूपिंग है। चलिए बोलो, आई इज ए वेरिएबल, प्रोग्राम में ना हम लोग हम कह रहे थे कि ये फिर आ जाएगा आई में, ठीक है, तो मैं समझा दे रहा हूं, आई इज ए वेरिएबल, जैसे मैथ आप बनाते हो, अच्छा ए का मतलब क्या था, ए बराबर 10, आई इज ए वेरिएबल। अब यहाँ कहेंगे सर आई क्यों ले लिए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, यहाँ पर क्या ले सकते हो आप, जहां जहां आई है वहां वहां आप क्या कर देना, सिर्फ ए कर देना, क्योंकि बढ़ क्या रहा है, वैल्यू, वेरिएबल है, वेरिएबल तो खाली वैल्यू रखा है, जैसे ए बी था वैसे ए बी सी, वैसे ही क्या है आई, ठीक है, क्लियर है, हाँ यस गुड। इक्वल टू हटा देंगे तो 4 बार करेगा, और आप ये देख लीजिए ये लॉजिक है, इक्वल टू हटा देंगे तो सिर्फ कहां तक चलेगा, लेस देन 5 तक, यानी 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 4, 4 बार होगा, तो ये देख लीजिए इसको 5 लिखा हुआ है, फाइव इनविजिबल नहीं यार, सट गया है यहाँ पर, इनविजिबल नहीं है 5, वैसे स्क्रीन है ऐसे 4 टाइम्स है ना, ठीक है, तो वो ठीक है, इसमें तो मैथमेटिकल लॉजिक आप जान रहे हैं, 5 ऐसे अब दिख रहा है 5 है ना, कि रेड कलर है ना, तो जितना भी वैल्यू है वो रेड कलर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर मेरा रेड कलर दिखाई दे रहा है। चलो हो गया, अब इतना ही काम था इसमें, सिर्फ मुझे समझाना था कि सिक्वेंशियल में कुछ पार्ट एग्जीक्यूट होते हैं और कुछ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, और लूपिंग में एक पार्ट 1 से ज्यादा बार एग्जीक्यूट होता है, यही देखिए कंडीशन है, कंडीशन ट्रू, यहाँ जाओ
फिर यहां जाओ, फिर लौटो, कंडीशन ट्रू, फिर जाओ ऐसे लौटते रहो जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना जाए, कंडीशन फॉल्स इधर आ जाएगा स्टॉप, ठीक है। तो इसी तीन टाइप का प्रोग्राम है। अब ये मत समझिएगा इसके लिए कम से कम हम लोग 100-150 प्रोग्रामिंग पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी ना आपको लॉजिक होगा। अभी तो आपको इवन ऑड बता दिए, तो क्या इवन ऑड ही नहीं ना होता है? बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग प्रोग्राम में उसको पढ़ेंगे और यूज करेंगे। यस, कॉन्सेप्ट यही होगा। जावा में पढ़िएगा, सिक्वेंशियल होगा, डिसीजन मेकिंग होगा और क्या होगा, लूपिंग होगा। कोई भी दुनिया का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप पढ़ेंगे तो ये तीन चीज होगा। और इसीलिए बोलते हैं कि कोई एक लैंग्वेज अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आगे फर्दर पढ़ने में आपको आसान होगा, नहीं तो अगर कोई लैंग्वेज क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी पढ़ लीजिएगा 3 साल, प्रोग्रामिंग आपको पल्ले नहीं आएगा, वो भागते ही चलेगा प्रोग्रामिंग से, ठीक है। तो ये आपको तय करना है कि हम इस चीज को शुरुआत से पढ़े और मेरी बातों पर ध्यान दे, और नहीं तो फिर वो फिर आपको हमेशा प्रॉब्लम करते रहेगा। तो ये तीन टाइप का प्रोग्रामिंग है। इसको हम लोग कहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, क्यू बेसिक में, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आता है एरर्स। क्या आता है? एरर्स। एरर्स प्रोग्राम में गलती। एरर्स मतलब क्या होता है? गलती। अच्छा, प्रोग्राम में आप जो कोड लिख रहे हैं वो कोड सही होना चाहिए, यानी कि प्रोग्राम में क्यू बेसिक का इंटरप्रेटर आपके सही कोड का ही आउटपुट देगा, यानी एरर वाले चीज का आउटपुट नहीं देगा जब तक कि एरर आप खत्म नहीं करते। तो यहां पर एरर वही चीज है, मैं बता दे रहा हूं, एरर्स आर द प्रॉब्लम और द फॉल्ट दैट अकर्स इन द प्रोग्राम विच मेक्स द बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम एबनॉर्मल, ठीक है ना। प्रोग्राम सही काम नहीं करेगा, एबनॉर्मली काम करेगा, एंड एक्सपीरियंस डेवलपर कैन ऑल्सो मेक दिस फॉल्ट। जरूरी नहीं कि नए वाला ही एरर करता है, एक्सपीरियंस डेवलपर भी क्या करते हैं, एरर करते हैं, वो टाइप कर रहा है ना, ठीक है। प्रोग्रामिंग एरर्स आर ऑल्सो नोन एज द बग, क्या इसको कहते हैं, और फॉल्ट, एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दिस बग इज नोन एज डीबगिंग। समझ गए, ठीक है। अब एरर्स भी आपको इतने तरह के होता है, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लिंकर एरर, लॉजिकल एरर एंड सिमेंटिक एरर, इतने टाइप्स का आपका एरर है। और ये टाइप्स मैं आप